नमस्कार, आई वेलकम यू इन थिंक विद राहल। मैं हूं हर्ष राहल। आज के समय ना दुनिया भर में टाइटैनिक ये शब्द बहुत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। जब लोगों के पास इतना पैसा हो, उनके पास आज़ादी हो, तो लोगों को दिमाग क्यों नहीं आ रहा, लोग इतने डेंजरस काम क्यों करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे सर्च फॉर द मिसिंग टाइटैनिक शब्द। इस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। टाइटैनिक को देखने की ऐसी क्या दिलचस्पी थी आपको जो आपने अपनी जान दांव पर लगा दी, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में ये सब आर्टिकल किस बारे में हैं, कौन से वो बिलियनरी थे जो टाइटैनिक देखने गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। सबसे पहले तो ना ये जान लीजिए, टाइटैनिक जो हम बात कर रहे हैं यह एक मेगा शिप हुआ करता था। 15 अप्रैल 1912 को ना एक बड़ा डिजास्टर हुआ जब RMS टाइटैनिक नामक शिप डूब गया। जब था तो बिल्डर्स ने दावा किया यह शिप कभी नहीं डूबेगा, इसलिए ही इसे अनसिंकेबल शिप का टाइटल भी दिया गया था। लेकिन जो इसका पहला सफ़र था UK से USA तक का, उसी में यह डूब गया। बर्फ से टकराने के बाद डूबे इस शिप में 1517 लोगों की जान गई। 1912 अटलांटिक ओशियन में डूबे इस शिप के मलबे को 1985 में गोताखोरों ने खोज निकाला। जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक के ऊपर मूवी भी बनाई जो 1997 में आई थी। अभी हाल ही में क्या हुआ है, ब्रिटेन के हैमिश हार्डिंग, पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान और एक एक्सप्लोरर, ये सब गए इस समरसेबल में और अभी तक वापस नहीं लौटे। जब एक समरसेबल में बैठने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए जिसमें लिखा हो रिस्क ऑफ डेथ, आप तब भी क्यों जाना चाहेंगे वहाँ पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को कर दें सब्सक्राइब।